हेलो दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड 9th 11th को लेकर जो है अभी की सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है। यानी कि बात करें तो देश की सबसे बड़ी मीडिया हाउसेस यानी कि मोस्ट ट्रस्टेड मीडिया हाउसेस हिंदुस्तान ने 9th 11th को लेकर ये साफ साफ बड़े आर्टिकल्स में कहा था कि 9th 11th को लेकर जो है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया गया है कि 9th 11th का जो क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई बोर्ड बनाएगी, एग्जाम डेट भी सीबीएसई बोर्ड डिसाइड करेगी। केवल हिंदुस्तान ही नहीं, देश भर कई सारी बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस ने 9th 11th को लेकर ये सबसे बड़ा खुलासा किया था कि 9th 11th को लेकर जो है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से सबसे ऑफिशियली खबर निकल के सामने आ रही है 9th 11th को लेकर। अमर उजाला, हिंदुस्तान और देश की सबसे बड़ी मीडिया हाउसेस में से एक जी न्यूज, डीएनए जैसे देश भर के तमाम कई सारी मीडिया हाउसेस ने सीबीएसई बोर्ड के इस फैसले को दिया था कि 9th 11th को लेकर जो है सबसे बड़ा जो है चेंजेस किया गया है 9th 11th को लेकर कि क्वेश्चन पेपर सीबीएसई बोर्ड बनाएगी। लेकिन अभी की सबसे बड़ी जो शॉकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है 9th 11th के छात्रों के लिए, ये जितनी भी खबरें थी 9th 11th को लेकर जो बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस ने, देश भर की सबसे ज्यादा मोस्ट ट्रस्टेड मीडिया हाउसेस ने 9th 11th को लेकर कहा था, इसको लेकर सीबीएसई बोर्ड ने इनकार कर दिया है। सीबीएसई बोर्ड ने साफ साफ कहा है कि ऐसा 9th 11th को क्वेश्चन पेपर हम बनाएंगे, ऐसा कोई भी जो है हमने डिसीजन नहीं किया है। पहला सवाल हिंदुस्तान से, पहला सवाल अमर उजाला से और पहला सवाल जी न्यूज से। देश भर के लाखों छात्रों की भावनाओं के साथ खेलने का ये सबसे बड़ा क्या नया रूप निकल के सामने आया है। यानी सीबीएसई बोर्ड ने जब इस तरीके से फैसले किए नहीं तो इनके आर्टिकल क्या दिखाते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए 9th 11th को लेकर जो है ये फाइनली सीबीएसई बोर्ड ने कन्फर्म कर दिया कि हमने जो है 9th 11th को लेकर कोई भी ऐसा फैसला नहीं किया कि क्वेश्चन पेपर हम ही बनाने जा रहे हैं और आपका डेट शीट भी हम ही बनाने जा रहे हैं। तो इसको लेकर जो है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से फाइनली कन्फर्म कर दिया गया कि 9th 11th को लेकर जो है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से कोई ऐसा डिसीजन नहीं आया है। अब आप लोग देख लीजिए, यही वो मीडिया हाउसेस है जिन्होंने 9th 11th को लेकर कहा था, अब यही वो मीडिया हाउसेस हैं जो ये कह रही है ये खबर जो थी फेक थी। यानी फैसले जो है 9th 11th को लेकर इन्होंने ही करवाई थी और साथ ही साथ जो है अब ये कह रही है कि यही मीडिया हाउसेस अब ये कह रही है कि 9th 11th को लेकर जो है क्वेश्चन पेपर वाला जो है वो खबर फेक था। ये वो मीडिया है जिन पे देश भर के लाखों लोग जो है ट्रस्ट करते हैं और उसके बाद जो है इन्होंने ऐसा किया है। क्या ये सही है इस तरीके से देश भर की सबसे बड़ी मीडिया हाउसेस द्वारा इस तरीके से खबरों को देना और अपने ही खबर को बाद में गलत बता देना कि सीबीएसई बोर्ड ने ऐसा कोई डिसीजन किया ही नहीं है। फिलहाल की वीडियो में इतना ही बच्चों, हम आपके लिए ऑलवेज ट्राई करते हैं कि 9th 12th तक के हर एक छात्रों को जो है ऑथेंटिक खबरें दी जाए, लेकिन वह देश भर की बड़ी मीडिया हाउसेस ने इस तरीके से किया तो आप लोग खुद सोच लीजिए कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है इन मीडिया पे लगता है। हमारे तरफ से अगर गलती हुई है तो उसके लिए जो है रियली सॉरी, हाथ जोड़कर मैं आपसे सॉरी कहना चाहूंगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो बच्चों एक नए अपडेट के साथ। 8400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए नंबर, क्योंकि अब आपके हर एक डाउट का आंसर मिलने वाला है आपको सीधे व्हाट्सएप नंबर पे। चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आपके हर एक डाउट और क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा आपको सीधे आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस आप अपने मोबाइल में 8400 400 400 मोबाइल नंबर को सेव कर लीजिए, चैट ओपन कीजिए, फिर आपके चाहे किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो बस क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्वेश्चन को क्रॉप करो, 5 सेकंड में आपको तुरंत वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। चाहे क्लास 6 to 12 का क्वेश्चन हो, आई टी जेई मेन्स एंड एडवांस के क्वेश्चन हो, सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन हो या स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन हो, तो आप अभी जाइए 8400 400 पर अपने सवाल व्हाट्सएप करिए और अपने सभी डाउट को आउट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए जय हिंद।